विजन स्प्रिंग, विजन स्प्रिंग जो है वो चश्मा बनाते हैं और आई टेस्ट भी करते हैं, तो उनके साथ में रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली सेंट्रल उन्होंने आके यहाँ पर हमने सोचा कि बच्चों की आई टेस्ट होनी चाहिए, पहले भी हुई है। होता क्या है कि आप नेग्लेक्ट करते हैं, आप आई टेस्ट टाइम टू टाइम नहीं कराते हैं, उसकी वजह से जो जिसका भी बच्चे का आई साइट वीक होती है वो धीरे धीरे और बढ़ जाती है और ख़राब हो जाती है। जिसको भी चश्मा लगा भी है उसको भी दोबारा उसको आई साइट अपनी चेक करानी चाहिए। तो हमने आज अपॉर्चुनिटी ली है आपको आई साइट चेक करने की। अभी पता चला है करीब 150 बच्चे 150 चिल्ड्रन का आई साइट चेक हुआ है, उसमें से 39 बच्चे उनकी आई साइट ख़राब मिली है, उनको चश्मे की ज़रूरत थी लेकिन किसी भी कारण बिकॉज ऑफ एनी रीज़न दे कुड नॉट कम टू गेट देयर आईज चेक। आप नज़दीक में जा हॉस्पिटल में जा सकते थे, जहाँ भी आईज चेक होती है जा सकते थे लेकिन नहीं गए। अब उनको एक बच्चा है जिसको -5 भी लगा है, -2 के क्या काफ़ी बच्चे हैं, -2 तक लगा है, -2 का मतलब डिस्टेंस की आई साइट वीक है। 2 बच्चों को हॉस्पिटल के लिए रिकमेंड भी किया है जिनको अभी टेस्ट करके दोबारा आई एग्जैक्टली क्या है, प्रॉब्लम क्या है वो देखने के बाद में उन बच्चों को यहाँ पे दोबारा चेक किया जाएगा। अब ये देखिएगा कि अगर टाइमली आपने ये आई चेक नहीं कराई है, अब कराने का मौका है, तो जिसको भी नंबर चेंज होता है, जिन्होंने स्पेक्स डाले हुए हैं चेंज हो सकता है, कुछ का बढ़ा हुआ उनका स्तर बढ़ जाए, कभी कभी कम भी हो जाता है, तो आपको अपना जो ग्लास है वो चेंज कराना होता है। अब जो बच्चे जो जिनको हो सकता है आप में से कुछ और बच्चे 39 का तो निकल चुका है, आप में से कुछ और बच्चों को अगर आई साइट की प्रॉब्लम होगी तो उनको क्या करना है, रोज उसको वॉश करना है सोप से चश्मे को, और दोनों हाथ से ऐसे करके चश्मा पहनना है, एक हाथ से नहीं पहनना है, एक हाथ से नहीं उतारना है। अगर 2 हाथ से पहनते हैं तो चश्मा स्ट्रेट रहता है, अदरवाइज वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। दूसरा, सुबह जब उठते हैं इमीडिएटली चश्मा पहनना है सोने के बाद में, और जब सोने के लिए आप जा रहे हैं तब उसको उतार देना है। आप समझ रहे हैं, सब समझ आ रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, अब उसको जब उतार देंगे चश्मे को तो साइड में ऐसी जगह रखना है कि उससे गिरे नहीं, है ना, उससे नुकसान होता है और अगले दिन फिर तुम्हें दिक्कत होगी। तो अब ये है कि आप व्हेनेवर यू आर अवेक यू हैव टू वियर दीज ग्लासेस, अदरवाइज कोई फायदा नहीं, है ना। अब बच्चों जिन्होंने अभी अभी देखा, मैंने बात की कुछ बच्चे से, तो उन्होंने बताया कि आई साइट जब उनकी कमज़ोर थी तो उनको ब्लैक बोर्ड नहीं साफ दिखाई देता था, अब वो आराम से ब्लैक बोर्ड भी पढ़ सकते हैं, जो टीचर आपके पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, पीछे का सीट है नहीं दिखाई देगा, अब आराम से वो पढ़ सकते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड बेटर, जल्दी अच्छा समझ आता है, क्लैरिटी होगी आई से अच्छा देखेंगे तो उससे क्लैरिटी होगी। तो आगे से चश्मा जिसको लगेगा वो पूरा ध्यान रख के जब तक आप अवेक हैं चश्मा पहनेंगे और उसको साफ करेंगे धीरे धीरे अपने सोप से, और उसको फिर कॉटन पे अपना किसी भी क्लोथ से उसको साफ करेंगे, या मिलता है इसके साथ में साफ करने के लिए, तो उस क्लोथ से साफ करेंगे और रोज चश्मा पहनेंगे, आप कभी इसको उतारेंगे, जितना पहनेंगे हो सकता है धीरे धीरे आई साइट ठीक भी हो जाती है जो पहनते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।